अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप केस में सपा नेता मोइन खान की गिरफ्तारी का मामला अभी गर्म है और इस बीच अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता को रेप की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। सपा नेता नवाब सिंह यादव पर 15 साल की लड़की को नौकरी का झांसा देकर रेप की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने नवाब सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। नाम नवाब सिंह यादव, काम नौकरी का झांसा देना, अंजाम रेप की कोशिश में गिरफ्तार। पहले अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंगरेप केस में सपा नेता मोइन खान की गिरफ्तारी और अब नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश में कन्नौज में सपा से जुड़े रहे नेता नवाब सिंह यादव पर शिकंजा। 15 साल की बच्ची से रेप की कोशिश में नवाब सिंह को कन्नौज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। पीड़ित की बुआ टॉयलेट गई, उसी दौरान नवाब सिंह ने नाबालिग से रेप की कोशिश की। किसी तरह लड़की ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। रात करीब 1:30 बजे सूचना मिलने के फौरन बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो नवाब सिंह को आपत्तिजनक हालत में देखा। वहीं लड़की के कपड़े भी उतारने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। नवाब सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं ये कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। मोइन खान के बाद नवाब सिंह का केस सामने आने के बाद अखिलेश यादव कटघरे में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह को पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि नवाब सिंह के अभी भी सपा से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। पहले मोइन खान और अब नवाब सिंह यादव, दोनों ही केस के बाद समाजवादी पार्टी बैक फुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।